जिस तरह से राव दान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था उससे भी ज्यादा उनका करेंगे। और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर अब जो हो गया, अब तो चुनाव 20 दिन बाकी हैं और चुनाव चुनाव है, गंभीरता इसको लेना से लेना चाहिए और चुनाव में अब बस अब जुट जाना चाहिए। तो क्या लगता है राव दान सिंह धर्मवीर का मुकाबला कर पाएंगे जो 4.5 लाख? अब तो वो देखेंगे देखेंगे कि चुनाव कैसा आगे बनता है। हम तो चाहेंगे कि सीट निकले। 2009 में मुझे मौका दिया लोगों ने और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया क्षेत्र के लिए और यहाँ की जो समस्याएं जो थीं उनके लिए हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी ताकि लोगों को यहाँ पे एक बेहतरीन विकास और प्रगति लोगों को दिखे। 2014 और 19 के जो चुनाव थे कड़े वक्त में मैंने वो चुनाव लड़े और आज पार्टी ने जो डिसीज़न लिया है, जो भी डिसीज़न उनका है, हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ है। श्रुति जी, भिवानी बंसीलाल का गढ़ रहा है, इसके केवल एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मेरे पिता, मेरे दादा और उनकी यादें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है। परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत है, मैं लोगों के लिए खड़ी रहूँ। देखिए, पार्टी के बारे में अब क्या बोलें कि एक प्रक्रिया हुई, उसके सर्वेज हुए, सर्वे में भी क्योंकि मैंने तो इस हलके का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, सब आप जानते हो, गढ़ भी है चौधरी बंसीलाल जी का, तो सर्वे में भी ऊपर रहे। लेकिन पार्टी बहुत सारे बातें होती हैं और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है फिर उनको उसको हमको अंत में मानना पड़ता है। अगर समर्थक नाराजगी जताते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ना होगा, तो किस प्रकार का कोई फैसला लिया जा सकता है? देखो, अभी अभी तो ये डिसीजन आया है और आज इसलिए हम लोगों के बीच में भी हैं क्योंकि एक इमोशनल इशू तो है, क्योंकि ये, जैसे मैंने कहा, कि केवल एक चुनाव नहीं है, ये एक एक इस हलके की एक लड़ाई जारी चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने रखी और बहुत बहुत ऐसे समय आए उनके ऊपर भी जहाँ पे उनके सामने राजनीतिक रूप से उनको भी रोका गया, फिर उनके भी जीवन में ऐसे मोड़ आए, तो ऐसे हो जाता है और इसी टाइम पे आदमी को और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो साथ खड़े हैं और आगे बहुत कुछ है, निराश ना हो। मैं अपने वर्कर्स को खास तौर पे बोलना चाहती हूँ।